और गाजा पट्टी पर हो रहे हमलों पर हमास का पलटवार, इसराइल के रिशोन लेजियन में दागा रॉकेट, बड़ी खबर। हमले के बाद रिशोन लेजियन में धुएं का गुबार, हमले में बड़े नुकसान की भी खबर सामने आ रही है। ये तस्वीरें देखिए आप, रिशोन लेजियन जहां पर हमास ने हमला किया है, इसराइल को भी लगातार चोट देने की कोशिश, जवाब देने की कोशिश, और उसी के तहत ये हवाई हमले किए गए हैं हमास की तरफ से रिशोन लेजियन। और गाजा पट्टी में हमास के हमले से दहशत है, इसराइल के रिहायशी इलाके पर हमास ने दागा है रॉकेट, रिशोन लेजियन में हमले से भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। ये तस्वीरें हैं रिशोन लेजियन की जहां पर हमास ने रॉकेट दागा है, और देखिए लगातार चूंकि इसराइल हमले कर रहा है और इस हमले के बाद से अब गाजा में और डर बना हुआ है कि इसका जवाब इसराइल और विध्वंसक हमलों के साथ दे सकता है। और जो रॉकेट हमला हुआ है रिशोन लेजियन में, उसके बाद धुएं का गुबार देखा गया। हमले के बाद पुलिस ने हालात को काबू में किया, लोगों से घरों के अंदर ही रहने को कहा है, सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया है। और इस बीच एक अहम खबर है, द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ, ईरान में रची गई थी इसराइल पर हमले की साजिश। 7 अक्टूबर को हुए इसराइल हमले की साजिश ईरान में रची गई थी, हमास के 500 लड़ाकों को ईरानी कुछ ने ट्रेनिंग दी थी और ईरान में ये ट्रेनिंग दी गई थी लड़ाकों को ताकि 7 अक्टूबर का हमला वो कर सके। और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अल खमेनेई का बड़ा बयान सामने आया, बड़ी धमकी, इजरायली अपराध जारी रहे तो मुसलमानों को कोई रोक नहीं पाएगा, गाजा पर इजरायली बमबारी में अमेरिका है भागीदार। तो ये सीधी धमकी ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से, और साफ तौर पे कहा गया कि अगर ये हमले नहीं रुके तो दुनिया के मुसलमानों को कोई रोक नहीं पाएगा। तो इजरायली बमबारी में अमेरिका भागीदार है और यूएस के हाथ फिलिस्तीन के बच्चों के खून से रंगे हैं। देखिए लगातार ये हमले हो रहे हैं और इन हमलों पर ईरान की तरफ से एक बड़ी चेतावनी कहें, बड़ी धमकी दी गई है। ये देखिए क्या कहा गया ईरान से, और अब ईरान का क्यों लग रहा है कि वो जंग के मैदान में कूदने की तैयारी कर रहा है, महायुद्ध में क्या कूदेगा ईरान, इजरायली बमबारी में अमेरिका भागीदार है सीधे तौर पर ईरान का कहना है, ईरान के सुप्रीम लीडर ने ये कहा है। और ईरान को बाइडेन ने भी आंख दिखाई है, जंग में ईरान कूदा तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे, यानी कि न जंग में शामिल नहीं होने की हिदायत दी जा रही है। और उधर ईरान क्या कह रहा है, यूएस के हाथ फिलिस्तीन के बच्चों के खून से रंगे हैं, अमेरिका को भी दोषी मानता है ईरान, और अमेरिका क्या जवाब दे रहा है, तीसरे देश की एंट्री पर जंग में अमेरिका भी होगा शामिल, यानी कि अमेरिका भी एंटर कर जाएगा अगर ईरान इसमें घुसता है तो, हमले नहीं रुके तो जंग और विध्वंसक होगा, यह कहना है आयतुल्लाह अल खमेनेई का। और देखिए इधर अमेरिका क्या कह रहा है, अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा और मुसलमानों की ताकत को कोई रोक नहीं पाएगा, ईरान के सुप्रीम लीडर का यह बयान है। तो अमेरिका कह रहा है सहयोगी देशों की मदद से पीछे नहीं हटेगा अमेरिका, तो दोनों अपने अपने स्टैंड पर बिल्कुल कायम है और सीधे सीधे एक दूसरे को यह चुनौती दे रहे हैं। तो अब आपको हम बताते हैं कि इसराइल अब तक कितने मोर्चों से युद्ध में घिर चुका है, मैप के जरिए जरा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए अगर हम बात करें ईरान की, वेस्ट बैंक की, लेबनान की, गाजा की, सीरिया की, तो ये हमें समझना होगा कि कहां सिचुएशन है इस वक्त टेंशन की, वो है गाजा। लेकिन इसराइल की बात करें तो आप देखिए इन देशों के जरिए एक घेरेबंदी की कोशिश हो रही है। तो गाजा में हमास के खिलाफ इसराइल का पिछले 19 दिनों से युद्ध जारी है और अब वेस्ट बैंक इलाके में भी इजरायली सेना को चुनौती मिल रही है, हिजबुल्ला लगातार वहां पर आईडीएफ पर हमले कर रहा है, यहां फिलिस्तीनी हमलावर और हमास के समर्थक इजरायली आर्मी पर हमले कर रहे हैं। लेबनन बॉर्डर की बात करें, वहां पर हिजबुल्ला लगातार आईडीएफ पर हमले कर रहा है, आईडीएफ के कम्युनिकेशन सेंटर को उसने तबाह करने के लिए इसराइल के टावर्स को टारगेट किया है। इसके अलावा अब सीरिया से भी इसराइल के खिलाफ युद्ध का एक नया मोर्चा खुल चुका है, क्योंकि जिस पैमाने पर अब इजरायली फोर्सेस और सीरियाई सेना के बीच
हमले हो रहे हैं वो किसी जंग से कम नहीं है। इसके अलावा ईरान एक ऐसा फ्रंट है जो लगातार सुलग रहा है और कभी भी युद्ध में वो शामिल हो सकता है। तो इस मानचित्र के जरिए हमने ये बताने की कोशिश की कि इसराइल किस तरीके से चारों तरफ से घिरता जा रहा है, और ये बयान जो ईरान की तरफ से आए हैं वो बयान अपने आप में बताने के लिए काफ़ी हैं कि तनाव बढ़ता ही जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मेजर जनरल संजय सोई, डिफेंस एक्सपर्ट, मौजूद हैं, और साथ ही हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है कैप्टन श्याम, डिफेंस एक्सपर्ट। संजय सोई सर, ये जो घेरेबंदी है और ये जो ईरान की धमकियां हैं या चेतावनी है, ये कितनी रियल है? इतने दिन हो गए, 20 दिन हो गए, ईरान अगर ट्रेन करता है, ईरान अगर इस आग में घी डालने का काम कर रहा है, तो जंग से दूरी क्यों बनाए हुए है? क्या ईरान भी सिर्फ बयानों तक सीमित नजर आ रहा है आपको? नहीं, देखिए ऐसा है कि इसमें जो इसका जो मेन एक्टर है सारी जंग के पीछे अगर देखा जाए तो एक बार ही अनेकों बार ये निकल के आया कि वो ईरान ही है। और अगर जैसे आपने जितने मोर्चे बताए हैं, चाहे वो सीरिया हो, लेबनान हो, वेस्ट बैंक हो या गाज़ा पट्टी हो, देखा जाए तो गाज़ा पट्टी में आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, लेबनान में भी हिजबुल्ला ऑर्गेनाइजेशन है, लेबनान की अपनी कोई ताकत ऐसी है नहीं कि कोई बड़ा खतरा हो सके। वेस्ट बैंक में भी मेनली आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन ही हैं, जो हमास के कुछ एलिमेंट्स वहाँ पर हैं, बाकी PLO का वहाँ पर इस समय में सरकार है। सीरिया में इस समय में ईरान और रशिया सपोर्टेड सरकार है, हालांकि उनकी खुद की हालत बड़ी ख़राब है, क्योंकि उनके अंदर जो रिवोल्यूशनरीज हैं उनको ही संभालना मुश्किल हो रहा है, तो कितना खतरा हो पाएंगे, लेकिन वो छुटपुट कोशिश होती रहेगी, जो उनके एलिमेंट्स ऐसे हैं वो शायद इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ गड़बड़ करने की कोशिश करें। और जहाँ तक ईरान की जो धमकी का सवाल है कि पूरा मुस्लिम वर्ल्ड खड़ा हो जाएगा, ये लीडर किसका है, कितने मुस्लिम्स का लीडर है ये देखा जाए तो 2-3 देश हैं ये इसके साथ खड़े हुए, बाकी कौन सा देश इसके साथ खड़ा हुआ है, कौन सामने आ रहा है, वहाँ की तो अपनी मिडिल ईस्ट की जो डायनामिक्स हैं वहाँ पर देखा है तो एक तरफ ईरान है, एक तरफ सऊदी अरेबिया है, एक तरफ बहरीन है, कतार है, टर्की है, ये सब अलग अलग पावर सेंटर हैं, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। और ईरान वैसे लीडर बना फिर रहा है, कोई कौन सुन रहा है इसकी, मैं कह रहा हूँ शिया वर्ल्ड में इसकी पूरी पहुँच नहीं है जो जहाँ पर ये कोशिश कर रहा है, तो ये सब खाली गिदड़ भपकी है, इसके बस का कुछ नहीं है। ठीक है, जो गेम अभी है, तक है। कैप्टन श्याम, एक चीज तो दिख रही है कि जो इस्लामिक कंट्रीज और खासकर ईरान की बात करें, ईरान की तरफ से धमकियां आ रही है, बड़े बड़े बयान आ रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल सपोर्ट है वो इसराइल को दिख रहा है। अब तक वेस्ट की सारी कंट्रीज के सारे लीडर्स आ चुके हैं तेल अवीव में, नेतन्याहू को भरोसा दे चुके हैं, अमेरिका की जो शिप्स हैं वो समंदर में मौजूद हैं, और हर तरह की मदद इसराइल को मिल रही है। तो एक तरफ बयानों की बौछार है और दूसरी तरफ एक्चुअल हेल्प इसराइल को पहुंच रही है, इस कंपैरिजन को, इस तुलना को कैसे आप देखना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मैं पहले दिन से भी ये कह रहा था कि ये फिजिकल सपोर्ट, जो विजिबल सपोर्ट है, वो चाहे वो हार्डवेयर हो चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, तो हार्डवेयर की सपोर्ट तो आप देख रहे हैं कि लगातार गोला बारूद और अम्यूनिशन की सप्लाई की जा रही है वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से और अमेरिका की तरफ से, और अमेरिका ने अपनी जो एक तरह से विजिबल कैरियर बैटल ग्रुप को लगाना, थर्ड पैट्रियट मिसाइल्स के साथ एयर डिफेंस की तैयारी करना मिडल ईस्ट में, और एक के बाद एक अपने नेताओं के साथ जाकर उनका हाथ थामना, तो ये तो बहुत क्लियर है। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि जब कायरो में समिट हुई और जिस दिन ये बाइडेन पहले वर्ल्ड का बड़ा लीडर खुद चल के वहाँ गया, अमेरिकन विदेश मंत्री के विजिट के बाद उन्होंने सॉफ्टनिंग द ग्राउंड कर रखा था, सभी कंट्री में जा चुके थे, बहुत कुछ किया डिप्लोमेटिक इंडेवर उन्होंने पहले तीसरे चौथे दिन ही, और जल्दी ही बाइडेन वहाँ पर पहुँच गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और उस दिन हॉस्पिटल अटैक के कारण जो मीटिंग होनी थी जॉर्डन में वो भी कैंसिल हो गई, तो वो एक अच्छा ग्राउंड बनता जहां पर के एक बड़ा लीडर जॉर्डन और इजिप्ट से मिलता, जो इसमें सबसे ज्यादा सहायता कर सकता है वॉर रोकने में। ईरान की जहां तक बात है और दूसरे कंट्रीज की बात है, या तो वो वर्चना करते हैं या कहते हैं हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं। ये कायरो की मीटिंग एक्चुअली रामतुल्ला में या तेल अवीव में होनी चाहिए थी, उनके कोई लीडर वहां जाते मिलते। आज तक कोई भी एक पैलेस्टाइनियन ग्रुप का कोई लीडर, मुस्लिम कंट्री का कोई भी लीडर तेल अवीव क्यों नहीं गया है, क्यों नहीं हाथ मिलाता नेतन्याहू का, जाके बात करता है कि इसको रोके और एक सहायता, समझौता और पीस का एक तरीका ढूंढे, क्योंकि विजिबल सपोर्ट अगर नहीं दे रहे आप। लेकिन संजय सोई सर, जिस तरह से ईरान इस्लामिक कंट्रीज को एक होने की बात कह रहा है और दूसरे जो दूसरे देश हैं वो भी ये बात कह रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो मेजर पावरफुल इस्लामिक कंट्रीज हैं वो लगभग सिर्फ बयानों तक ही सीमित है।
नहीं बिल्कुल रवि जी, ये बिल्कुल सही बात है, यही मैं कह रहा हूँ कि ईरान की खाली बयानबाजी है और वो कहीं लीडर नहीं है मुस्लिम वर्ल्ड का। एक क्लेम कर रहा है अभी कि हाँ सब मुस्लिम आ जाओ, सब हमला करो और अगर कुछ हुआ तो सारा मुस्लिम दुनिया आपके ऊपर टूट पड़ेगी, अमेरिका के ऊपर टूट पड़ेगी। तो एक तरह से इनकी अमेरिका के साथ दुश्मनी है शुरू से ही, इसराइल के साथ दुश्मनी है शुरू से ही, और अब कोशिश हो रही है इनकी, कोशिश हो रही है कि मुस्लिम वर्ल्ड को खड़ा किया जाए, भड़काया जाए। और जो अगर तो ऐसे में सर बहुत एक स्वाभाविक सवाल है कि धर्म और इस्लाम के नाम पर कहीं ईरान अपने स्कोर तो सेट नहीं करना चाहता अमेरिका के साथ, वो तो सेटल नहीं करने की कोशिश कर रहा। अमेरिका में एक बार फिर से अंधाधुंध फायरिंग हुई है और लेविस्टन में एक शख्स ने फायरिंग की है, 22 लोगों की मौत हो गई है, 50 से ज्यादा लोगों को गोली लगी है, वो घायल हैं। अलग अलग जगहों पर हमलावर ने फायरिंग की है, लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने के निर्देश फिलहाल दिए गए हैं। हमलावर अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है, पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी है। देखिए इस हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग की है और यहां पर कई लोगों की जान ले ली है। जो जानकारी अभी तक सामने आई है उसमें यह बताया जा रहा है कि करीब 22 लोग मारे गए हैं इस हमलावर की अंधाधुंध फायरिंग में, 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। और ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये तस्वीर जो आप देखिए, हमलावर एक तो लेविस्टन में गोलीबारी हुई है, जैसे कैसे अफरा तफरी मची है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, और दूसरी तरफ वही हमलावर जिसके हाथ में बंदूक आप देख रहे हैं, जो एम किए हुए निशाना लगाए हुए, इसने गोलीबारी की है। अंधाधुंध फायरिंग में 22 लोगों की अभी तक जान ली है, जो जानकारी सामने आ रही है। अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है, इसकी तलाश की जा रही है। लोगों से लेविस्टन में लोगों से कहा गया है कि वो घरों से ना निकले, घर के अंदर ही रहें। अलग अलग जगहों पर इस बंदूकधारी ने फायरिंग की है। तो ये तस्वीरें बहुत ही परेशान करने वाली, डिस्टर्बिंग पिक्चर्स। कैप्टन श्याम, अमेरिका में ये खत्म नहीं हो रहा, ये गन कल्चर, ये इस तरह की रैंडम फायरिंग, लोगों को, बेगुनाह लोगों को, निर्दोष लोगों को ऐसे मार देना, ये अमेरिका चाहे कितना भी दावा करे, इस हालात पर नियंत्रण कोई भी सरकार नहीं कर पा रही। देखिए जब ब्रुकलिन में जब वो 8 साल के बच्चे की हत्या हुई थी तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने यह कहा था, जो पैलेस्टीनियन मतलब एंटी मुस्लिम जो एक इस्लामोफोबिया जो बना है यूएसए में, उस पर काफ़ी चर्चा हो रही है और ये भी दिख रहा है कि अमेरिका में ये इसके एंटी सेंटिमेंटल जो बातें हो रही हैं, उनका जो काउंसिल फॉर अमेरिका इस्लामिक रिलेशन CAIR और एंटी डिफेमेशन जो उनका जो संस्था है, ये दोनों ने करीब करीब 700 से 800% इंक्रीज बताया है अगेंस्ट पैलेस्टीनियन और अरब वर्ल्ड के अगेंस्ट में। पूरे अमेरिका में एक सेंटिमेंट बन रहा है, ज्यूज और अमेरिकन्स ये सेंटिमेंट बना रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्य की घटना है कि इतने बड़े कंट्री में अगर इस तरह की बातें होंगी, जो एक बहुत ही व्यवस्थित कंट्री है और एक गन कल्चर अमेरिका का जो उसके लिए अभिशाप साबित होता रहा, एक बार फिर से वैसी स्थिति यहां पर नजर आ रही है। एलन मस्क के एक बयान के बाद कई तरह की आशंकाएं सामने आ गई हैं। एलन मस्क ने जताई है वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका, विश्व युद्ध 3 की ओर बढ़ रही है दुनिया, वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ रही है दुनिया, और इसराइल हमास जंग से दुनिया इस दिशा में बढ़ती जा रही है। इसराइल हमास जंग के बीच मस्क ने यह वार्निंग दी है, अमेरिका को रूस के साथ संबंध सुधारने का सुझाव दिया है एलन मस्क। तो देखिए एलन मस्क ने तृतीय विश्व युद्ध की चेतावनी एक तरीके से दी और यह कहा कि अमेरिका और रूस को अपने संबंध सुधारने चाहिए। जिस तरह से युद्ध के हालात बिगड़ते जा रहे हैं उस बीच एलन मस्क का यह बयान, गौर करते हैं इस बयान पर, तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा, ये कह रहे हैं एलन मस्क, इसराइल हमास युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ता नजर आ रहा है, विश्व युद्ध 3 की वो आशंका व्यक्त कर रहे हैं, जंग से खतरे में पड़ सकती है मानव सभ्यता। एलन मस्क का बयान, इसराइल हमास संघर्ष के बीच मस्क ने यह चेतावनी दी है और यह कहा कि अमेरिका रूस मिलकर शांति स्थापित करें, अपने संबंधों को ठीक करें, यह कहना है एलन मस्क का। यह सुझाव भी है दोनों देशों को संबंध ठीक करने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के करीब जा रही है, वर्ल्ड वॉर 3 से बचने की को प्राथमिकता देने की जरूरत है, मस्क का यह कहना है। और यह कहना है कि मानवीय सभ्यता के लिए यह एक बड़ा खतरे का संकेत है। संजय सोई सर, एलन मस्क चिंता जता रहे हैं
और ये कह रहे हैं कि दुनिया और करीब आती जा रही है वर्ल्ड वॉर 3 के। आप कैसे देखते हैं इसे? दुनिया के दो हिस्सों में इस वक्त एक बड़ा युद्ध चल रहा है जिसमें मां शक्तियां भी शामिल हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा है। जो उनका जो कंसर्न है, जो उनकी चिंता है, वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि इस समय जो युद्ध है, हालांकि एक देश और आतंकवादी ग्रुप के बीच में, लेकिन अगर इसके पीछे के प्लेयर्स देखे जाएं, तो प्लेयर्स बड़े बड़ी ताकत है। अगर हम हमास को देखें तो उनके पीछे ईरान है, और ईरान के पीछे रशिया और चाइना है। यहाँ पर अगर इसराइल है, इसराइल के साथ अमेरिका और यूरोप है। तो ये पूरा जो दुनिया दो फाट में जो बटी हुई है, दो हिस्सों में बटी हुई है, और जो टेंशन बढ़ती जा रही है, और इस तरह से अगर कैजुअल्टी होती रही, खास तौर से सिविलियन कैजुअल्टी होती रही, तो वहाँ पर एक और एंगल निकल के आ रहा है जिसकी कोशिश ईरान और कुछ देश का हमास कर रहा है कि मुस्लिम वर्ल्ड वर्सेज ज्यूज ऑब्लिग वेस्टर्न अमेरिका। तो ये जो बात है, ये सर, अब अगर यूक्रेन वॉर को और ये जो मौजूदा वॉर है, इसमें कैजुअल्टीज को मिला दे, सारी कैजुअल्टी को, तो लाखों में संख्या पहले ही पहुंच चुकी है। दुनिया में युद्ध की वजह से इतनी मौतें हो चुकी हैं, और ये अपने आप में बड़ी चिंता की बात है। हम लौटेंगे, इस पर बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा, हमास आतंकी संगठन नहीं, हमास आजादी के लिए जंग लड़ रहा है, अपनी जमीन के लिए हमास की जंग है। तो एक तरीके से तुर्की की तरफ से हमास को ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तब जबकि दुनिया के बड़े मुल्क ये कह चुके हैं कि हमास वैसा ही आतंकी संगठन है जैसा ISIS है, अलकायदा है, या दूसरे संगठन है। और कैप्टन श्याम, ये जो तुर्की की तरफ से बचाव हो रहा है, हम देखिए उस पर भी बात करेंगे। इस बीच इसराइल का जवाब क्या है, ये भी आपको बता दें, दर्शकों को बता दें कि एर्दोगान के बयान से सच नहीं बदलेगा, साफ किया है इसराइल ने, और एर्दोगान के बयान जो है उस पर ये प्रतिक्रिया आई है। हमास का आतंक पूरी दुनिया ने देखा है, इसराइल ने ये स्पष्ट कर दिया है। और सवाल यही है कि एक आतंकी संगठन को इस तरह का समर्थन क्या जंग को एक खतरनाक रुख दे सकता है, मोड़ दे सकता है? अब आपको बताते हैं कि किस तरह से मुस्लिम देशों ने फिलिस्तीन का साथ देना नहीं छोड़ा है, किन किन देशों ने क्या क्या कहा है, ग्राफिक्स के माध्यम से जल्दी से हम आपको बताएंगे। अभी तक समर्थन में जो बड़ी बातें कही गई हैं, सबसे पहले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का बयान, हमास आतंकी संगठन नहीं है, यह अब तक का सबसे क्लियर, स्पष्ट और बड़ा बयान है हमास के समर्थन में। आजादी के लिए लड़ रहा है हमास, हमास की जो जंग है वो आजादी के लिए, गाजा में बहुत खून बह चुका है। शेख तमीन बिन अहमद अल का बयान, ये कतर के हेड की तरफ से बयान है, और इसराइल नहीं रुका तो कहीं भी विस्फोट हो सकता है, राजा अब्दुल्ला यानी जॉर्डन की तरफ से यह बात कही गई है। और देखिए सऊदी अरब के प्रिंस फैसल ने क्या कहा, विदेश मंत्री ने क्या कहा है, इजरायली हमले पर चुप नहीं रहा जा सकता, जो इसराइल हमले कर रहा है उस पर हम शांत नहीं रहेंगे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी लगातार बयान देते रहे, मुस्लिम देशों में एकजुटता तो इसराइल मनमानी नहीं करेगा, वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को एक साथ आने की अपील लगातार करते रहे कि इसराइल के खिलाफ वो एकजुट हो, एक साथ आए। कैप्टन श्याम, अब सवाल यही है, हमें याद है कि जब जम्मू कश्मीर में आतंकी आतंक मचा रहे थे, निर्दोष लोगों को मार रहे थे, कश्मीरी पंडितों की हत्या कर रहे थे, तो पाकिस्तान कह रहा था कि ये आजादी की जंग है, क्या तुर्की का बयान कुछ वैसा ही नजर नहीं आ रहा आपको? तुर्की का बयान वैसा ही नजर आ रहा है, लेकिन इसके साथ कुछ बातें हमें देखनी चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कि इजराइल के जो नेता हैं, उनके प्रधानमंत्री हैं, वो फिलहाल, उनको ये कहा जा रहा भले कि वो बच्चों के खून से उनके हाथ रंगे हैं, लेकिन मैं तो मानता हूं कि उनके दिल में तो बहुत बड़ा इंसान बस रहा है। वो 19 दिन की लड़ाई में ग्राउंड इन्वेजन नहीं कर रहे, और हमास टेरर ऑर्गेनाइजेशन है ये तो सब जानते हैं। भारत के लिए भी ये कहा गया है इजराइल की तरफ से कि आप इससे टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करो। तुर्की का जो कहना है, देखिए उनके सोशल विंग है हमास के, और एक सर्वे हुआ था पैलेस्टाइन में उनके अपने नागरिकों का, उसमें उन्होंने भर्त्सना तो नहीं की 7 अक्टूबर के हमास के लिए, पर उन्होंने कहा कि कुछ बैड एक्टर्स हमास के जो हैं, उन्होंने 7 अक्टूबर की घटना कर दी। और मुझे भी यही लगता है कि सोता हुआ मुसाद और सोता हुआ इसराइल ऐसा नहीं रह सकता। कुछ लोगों ने, ईरान हो या बैकअप कहीं से भी हो, या कुछ लीडर्स जो थे हमास के, उन्होंने गलती कर दी 7 अक्टूबर को, और अब उसका, लेकिन सर 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 बड़ा सवाल यही है कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो कुछ भी किया, क्या वो किसी की आजादी की जंग का हिस्सा हो सकता है? यही तो मैंने कहा कि ये गलत किया उन्होंने, इसलिए कुछ बैड एक्टर की बात कर रहे हैं। तो ये टर्की बोले या कतार बोले या कोई भी बोले, हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन तो है, वरना अभी वो हॉस्टेजेस छोड़ देता और समझौता करता, और उसके जो
जो बड़े भाई हैं ये ईरान और ये इजिप्ट जोर्डन और ये कतार और ये जो भी हमारी बात हो रही है एक तरीके की, ये सब समझौता में फिजिकली आके देखते, वो नहीं कर रहे, सिर्फ कह रहे हैं कि वो ऐसा है वो वैसा है। इससे तो कोई मतलब कोई सोल्यूशन तो नहीं निकलता ना। हम जमीनी हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, ये नेतन्याहू कह रहे हैं। हमने हजारों आतंकियों को खत्म कर दिया है, नेतन्याहू का बयान, लेकिन अभी भी जमीनी हमले शुरू नहीं किए नेतन्याहू ने। लेकिन वो बार बार ये कह रहे हैं कि ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं, तैयार हैं। और इजराइल पर हमास हमलों की जांच करेगा, इजराइल साउथ गाजा से हुए हमले की होगी जांच। नेतन्याहू ने कहा है सुरक्षा चूक की जांच की जाएगी, सबकी जवाबदेही तय की जाएगी। यह भी कहना है नेतन्याहू का, बतौर इजराइल का भविष्य सुरक्षित करना, बतौर राष्ट्रपति इजराइल का भविष्य सुरक्षित करना मेरी जिम्मेदारी है। और जंग के बीच वॉर कैबिनेट की बैठक, पीएम नेतन्याहू ने आईडीएफ मुख्यालय में बैठक की, जंग के ताजा हालात की जानकारी ली। नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने की बात कही। और इधर गुटेरेस का जो बयान आया उस पर भी प्रतिक्रिया सामने आई है, इसराइल भड़का हुआ है। यूएन महासचिव के इस्तीफे की मांग की है इसराइल ने, आतंकवाद के का साथ देने का आरोप लगाया है। हमले के लिए इसराइल को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया था, हमास को धरती से मिटा देना चाहिए। इसराइल ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। और इसराइल के विरोध के बाद यूएन महासचिव की सफाई, एंटोनियो गुटेरेस ने कहा मैंने हमास के आतंक का समर्थन नहीं किया, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। यूएन महासचिव का बयान। वहीं इसराइल पर हिजबुल्ला का हमला, इसराइल के कम्युनिकेशन टावर को उड़ाया, इसराइली सिक्योरिटी सिस्टम को ध्वस्त किया। हिजबुल्ला भी लगातार इसराइल पर हमले कर रहा है, इसराइल के सेंटर्स को टारगेट कर रहा है। ये जो ताजा तस्वीरें हैं, टावर को ध्वस्त किया गया, कम्युनिकेशन सेंटर पर अटैक किया गया हिजबुल्ला के द्वारा। तो हिजबुल्ला के हमले लगातार जारी है। संजय सोई सर, हिजबुल्ला को लेकर एक बात बार बार कही जा रही है कि हिजबुल्ला क्या पूरी तरह से जंग के मैदान में आएगा? अगर जंग के मैदान में वो नहीं आ रहा है तो फिर ये सब क्या है? इसराइल की सेना पर हमला, उनके कम्युनिकेशन, उनके रिहायशी इलाकों पर हमला, ऑलरेडी क्या हिजबुल्ला जंग में है या फिर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना है और ईरान भी खुलकर कहेगा कि हिजबुल्ला अब तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं? नहीं, ऐसा है कि अभी देखा जाए तो मेरे हिसाब से हिजबुल्ला के पास जो ताकत है, उनके तकरीबन 50,000 लड़ाके, 1.5 लाख रॉकेट और 300 के लगभग मिसाइल्स वगैरह, एंटी टैंक वेपन्स, ये सब है, आर्टिलरी है, उसके हिसाब से वो अभी हमले में नहीं आए। मुझे अभी भी ये लग रहा है कि ये एक तरह से छुटमुट घटनाएं होके साथ देने वाली बात हो रही है कि हाँ हमास तुम लड़ते रहो, हम साथ हैं। दूसरी बात ये हो सकती है कि शायद वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही इसराइल का ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू होता है, उनकी फोर्स वहाँ डिप्लॉय हो जाती है, एंगेज हो जाती है, उस समय में वो तेज़ी से हमला करें। तो ये अभी जो स्ट्रेटजी है, ये कुछ भी किया जा सकता है, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, हो सकता है उनको ये सोच समझ के करें। लेकिन ये जो छिटपुट हमले हैं, इससे तो इसराइल को इंस्टिगेट ही वो कर रहे हैं युद्ध को खत्म करने की दिशा में, या फिर कोई हल निकालने की दिशा में, तो ये कहीं से भी मददगार साबित नहीं होना है। नहीं नहीं, बिल्कुल, ये तो छुटपुट हमले से आप देखिए कि इसराइल फिर जवाब देता है, फिर उनका फायर होता है। एक चीज़ और भी है कि एक फ्रंट और खुला हुआ है वहाँ पर, तो जहां पर कहीं ना कहीं एक प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, इस बीच गाजा के अस्पताल में हुए हमले पर न्यूयॉर्क टाइम्स का खुलासा सामने आया। क्या है वो खुलासा, आपको बता रहे हैं। इसराइल का रॉकेट 3 किलोमीटर दूर हवा में फटा, हमास के पास बेगुनाही का सबूत नहीं। अहली अरब अस्पताल में 17 अक्टूबर को रॉकेट से हमला हुआ था, 500 लोगों की मौत का दावा किया गया था, और उस पर अब देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह रिपोर्ट दी है।